भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। भारत को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सहित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धर्मों की उत्पत्ति के रूप में भी जाना जाता है। हजारों से अधिक विरासत, संस्कृति और परंपराओं के साथ भारत में सैकड़ों देवताओं को समर्पित सैकड़ों मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर हजार साल से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में हैं और कुछ मंदिर पिछले एक दशक में ही बने हैं। बावजूद इसके इनका भी बहुत महत्व है। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में दर्शन कराते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के। पहला, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी। असम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत में शक्ति के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर इच्छा की देवी है। तंत्र संप्रदाय के अनुयायी कामाक्षी या कामाख्या में अपना विश्वास रखते हैं और इसलिए यह तीर्थ धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। हालांकि कामाख्या इस मंदिर के पीठासीन देवता हैं। मंदिर में एक विशाल गुंबद है जो पृष्ठभूमि में विचित्र नीलांचल पहाड़ियों को दर्शाता है। दूसरा, महाबोधि मंदिर, बोधगया। महाबोधि मंदिर, जिसे महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है, बिहार के बोधगया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह बोधगया में एक बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध भारत के धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि उन्हें माना जाता है कि वे 9वें और भगवान विष्णु के सबसे हाल के अवतार हैं जिन्होंने धरती पर कदम रखा था। मंदिर 4.8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है और 55 मीटर लंबा है। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है और माना जाता है कि यह वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। मंदिर की वास्तुकला और इसकी समग्र चुप्पी और शांति आपको निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध कर देगी। तीसरा, अयप्पा मंदिर, सबरीमाला। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर भारत के सभी प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक तत्वों के लिए बल्कि इसके साथ जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थयात्राओं में से एक है जो प्रत्येक वर्ष 100 मिलियन से अधिक भक्तों को आकर्षित करता है। केरल में पठानमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाटों में स्थित सबरीमाला मंदिर 18,000 अन्य पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जिन लोगों ने मंदिर की यात्रा की है वे मानते हैं कि सबरीमाला की तीर्थयात्रा के लिए मन की शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति, भक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चौथा, ओंकारेश्वर मंदिर, मध्यमहेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर महान पंच केदार का एक अभिन्न अंग है और भगवान शिव को समर्पित है। यह केवल उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर और मध्यमहेश्वर से मूर्तियों को उखीमठ लाया जाता है और 6 महीने तक यहां पूजा की जाती है। उखीमठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा तीर्थ शहर है। माना जाता है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर में सर्दियों के महीनों के दौरान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर के देवताओं का निवास होता है। साथ ही इस मंदिर की दीवारों के भीतर जो पानी है उसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि मंदिर के दर्शन करने से भगवान शिव हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार ओंकारेश्वर के दर्शन करने चाहिए। पांचवा, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित एक प्राचीन पूजा स्थल है और भगवान शिव को समर्पित शहर में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर 7वीं शताब्दी में राजा जाजती केशरी द्वारा बनाया गया था। मंदिर का मुख्य भाग उड़ीसा शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहने को तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु के चित्र भी यहाँ मौजूद हैं। हर साल एक बार लिंगराज की छवि को बिंदु सागर झील के केंद्र में जल मंदिर तक ले जाया जाता है। शिवरात्रि के दौरान करीब 2,00,000 लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। छठा, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। भारत के सबसे पवित्र मंदिर के रूप में गिना जाने वाला त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के एक सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित मंदिर त्र्यंबक के पवित्र शहर में स्थित है जो कि शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख करता है। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक पेशवा नाना साहेब द्वारा निर्मित मंदिर क्लासिक वास्तुकला का एक आदर्श प्रतीक है। त्र्यंबक शहर पृथ्वी पर एक स्वर्ग की तरह है।
इस पवित्र स्थान की यात्रा आपको स्वतंत्रता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अनुभव प्रदान करेगी। ऐसे ही कुछ और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।